हेलो किड्स, कैसे हैं आप? आज हमारा टॉपिक है 4, 5 और 6 का टेबल। हमने पिछली वीडियो में 2 और 3 का टेबल पढ़ा था। उसको लर्न करना और लिखना किड्स के लिए थोड़ा इजी होता है, लेकिन आगे आगे के जैसे जैसे टेबल बढ़ते जाते हैं तो बच्चों को लिखने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए मैं आपको विद ट्रिक 4, 5 और 6 का टेबल कराऊँगी। ओके, सी 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। आप इसमें देखिए 5 ज़ा तक में 4 8 2 6 0, एक मोबाइल नंबर की तरह इस चीज़ को आप याद कीजिए 4 8 2 6 0। और आप ये ध्यान दीजिए, जब हमारा पहला डिजिट 4 आ रहा है, उसके बाद 8 आया, 8 के एकदम बाद हमारा छोटा डिजिट आ रहा है, जब हमारा बड़े के बाद एकदम छोटा डिजिट आता है तो उसके नाम का एक आगे प्लस हो जाता है। बस इतना ध्यान रखिए। आप देखो, पहले 4 का टेबल चल रहा था तो 4 था, फिर 8, 8 के बाद सीधा हमारा छोटा डिजिट आया तो उसके नाम का एक इधर प्लस हो गया, यानी 12 बन गया ये। फिर देखिए, मैंने आपको बताया ना मोबाइल नंबर की तरह याद करना है 4 8 2 6 0, सिमिलर। अब हमने 6 था, 6 के बाद हमने 0 लर्न किया था, 0 6 से छोटा होता है, इसीलिए इसके नाम का इधर 1 हम प्लस कर देंगे, यानी पहले 1 का डिजिट चल रहा था तो अब 2 का डिजिट चलेगा। ओके, फिर देखिए वही सेम नंबर आ जाएंगे 4 8 2 6 0, और वही केस आ जाएगा 8 के बाद छोटा डिजिट आया है 2, तो इट मीन्स 1 इधर ऐड हो गया, यानी कि 3 बन गया, ठीक है। और इधर 6 के बाद 0 आएगा तो इसका 1 यहाँ पर ऐड हो गया, 40 बन गया। एंड टेबल नंबर 5, आप देखिए सिर्फ 5 के टेबल में आपको क्या करना है, 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0। ओके, और जो रूल मैंने आपको 4th के टेबल में बताया वो 5 के टेबल में है। कैसे? सी 5 के बाद छोटा डिजिट आ रहा है 0, तो इट मीन्स उसका एक इधर प्लस हो जाएगा, 10 बन गया। फिर उसके बाद 5 आया, फिर छोटा डिजिट आ गया 0, तो उसके नाम का एक इधर प्लस हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, पहले 1 था तो अब 2 हो जाएगा। सेम इधर 5 था, फिर 0 आ गया तो उसका एक इधर प्लस हो गया, ये 3 बन गया। फिर हम 5 लगाएंगे, फिर 0 आया, फिर एक प्लस हुआ, 4 बन गया। फिर 5 आया, फिर 0 नीचे आने की वजह से उसका एक इधर प्लस हो गई, 5 बन गया। ओके, सेम केस इन दिस। देखिए ये रूल आप सब जगह अप्लाई करोगे कि डिजिट के बाद, जब हमारा बड़े डिजिट के बाद छोटा डिजिट आता है तो हम उसका नाम का एक इधर प्लस कर देते हैं। और इस रो में जस्ट आप मोबाइल नंबर के तरीके से डिजिट लर्न कर लीजिए। जैसे इसमें मैंने आपको बताया था 4 8 2 6 0 लर्न करो, इसमें करो 6 2 8 4 0, 6 2 8 4 0, और वही छोटा डिजिट होने पर 1 इधर प्लस करते जाइए। देखिए 8 के बाद फिर 4 छोटा आया तो उसका इधर प्लस हो गया, ठीक है। 4 के बाद 0 छोटा आया, उसका इधर प्लस हो गया। सिमिलर केसेस में 60 तक करते चले जाएंगे। ओके, तो इस तरह जब आप लर्न करोगे तो आपको 4, 5 और 6 का टेबल लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के जो टेबल हैं उनकी भी ट्रिक ज़रूर बताऊँगी। ओके किड्स, और अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।